हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, याद रखिएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम नहीं है, क्योंकि भगवान आपसे दूर नहीं है। जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की वजह से आप बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, हमारा जो व्यवहार होता है ना, वो उनकी वजह से है, वो हमसे अलग नहीं है। महापुरुष तो कहते हैं वो इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि एक आपकी पत्नी, आपके बच्चे उतने नज़दीक नहीं हो सकते जितने नज़दीक परमात्मा आपके पास है। लेकिन हम पहचान नहीं पाते। भगवान ने जन्म इसलिए नहीं दिया कि उनसे मिलना है आपको, नहीं, ये प्राप्ति का विषय नहीं है। भगवान तो हर जन्म में आपको मिलते हैं, उनके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। लेकिन भगवान हमें भेजते हैं ज्ञान के लिए, क्या आपको ज्ञान हो जाए कि भगवान कौन है और आप कौन है, आपका प्रभु से क्या संबंध है। इस ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए ही भगवान आपको सुख दुख देते हैं जीवन में। आता है ना, कभी दुख मिलते हैं तो वो आपको ज्ञान करा रहे हैं, वो आपकी परीक्षाएं हैं जिसमें से आप अनुभव इकट्ठा करते हैं और ज्ञान अर्जित हो जाता है। ये सुख दुख हमें जीवन के पड़ाव में हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, दिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या उचित है। क्योंकि जीवन में ये सुख दुख लगे रहेंगे, इनसे शिक्षा प्राप्त करके हमें अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। कस्तुम को हम कुत आयातः, इसलिए ज्ञान यज्ञ ही आपको कहते हैं किसी व्यक्ति को। कई लोग कहते हैं ना, मानवता सेवा करें, करनी चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति को आप कितने दिन तक खिला सकते हैं, कितने दिन तक खिलाएंगे आप, 15 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, पर पूरा जीवन तो उसे खिला पिला नहीं सकते। किसी व्यक्ति को, अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में अभाव है, कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है उसके पास, कितने दिन दे देंगे आप उसको वस्त्र, 1 बार, 2 बार, साल भर, 2 साल, 5 साल, पूरा जीवन तो नहीं। किसी के जीवन के थोड़े से दुख को आप कुछ देर के लिए शांत कर सकते हैं, लेकिन उसके जीवन की इतनी सारी श्रृंखला में जो दुख पड़े हुए हैं उन्हें आप नहीं हटा सकते। कौन हटा सकता है? ज्ञान हटा सकता है। यदि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आ जाता है तो उसे समझ आता है कि सुख भी कुछ नहीं और दुख भी कुछ नहीं है, मेरा जीवन तो प्रसन्न है। अब आप बताइए, ज्ञान था इसलिए मीराबाई ने उस चित्तौड़गढ़ की सल्तनत को 2 लात मारी और निकल गई वृंदावन, क्योंकि उसे भगवता का ज्ञान हो चुका था। कई संतों को आपने देखा होगा, भरे पूरे घर के होते हैं और वो छोड़ आते हैं। क्यों क्यों छोड़ आते हैं? वो इसी कारण से छोड़ आते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरे कार्य क्या हैं। तो फिर क्या, 2 घड़ी नहीं लगाई, छूट गया, उनसे छोड़ना नहीं पड़ा। और जब आप इस राह पर चलते हैं ना, तो धीरे 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 एक दिन सारी चीज़ें अपने आप छूटने लगती हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। याद रखिए, छोड़ने के लिए बड़े प्रयास लगाने पड़ेंगे, और अगर छोड़ भी दी तो ये पक्का है कि कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। होता है, आपने यहाँ छोड़ी, कल कहीं और पकड़ लेंगे। लेकिन छूट जाए उस राह पर अगर आप चलेंगे तो धीरे धीरे अपने आप छूट जाती है सारी चीज़ें। ऐसे समझें, ऐसे बहुत अच्छे से समझ आएगा। हरदा में आप क्या गोलगप्पे को क्या बोलते हैं? पानी पूरी बोलते हैं। माताओं को बड़ी प्यारी होती है, तो वो पानी पूरी की कोई ठेल लगाता हो और आप लोग बड़ा उसका नाम हो यहाँ पर, राब बड़ा सभी खाने जाते हैं, लेकिन अचानक से बेचारा अपनी मजबूरी के कारण पानी पूरी बेच रहा था, बड़ा खुश था, लेकिन अचानक से उसे पता चले उसके 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो क्या करेगा वो? वो अगर पानी पूरी की ठेल छोड़ दे तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे उसका क्या होगा, उसने पानी पूरी की ठेल छोड़ दी, नहीं, उसे छोड़नी नहीं पड़ी, अपने आप छूट गई, क्योंकि वो नया बिजनेस का माइंड बना रहा है कि कुछ नया बड़ा खोलेंगे, तो अपने आप छूट गया। कुछ बड़ा मिल जाता है तो छोटा छूट जाया करता है। तो छोटा क्या है? संसार है। और बड़ा क्या है?
भगवान है, प्रभु का प्रेम है। जब ज्ञान होता है, जब ज्ञान रूपी लॉटरी लगती है ना महाराज, तो क्या होता है, छोटा अपने आप छूट जाया करता है। आप रहते वहीं हैं, कार्य भी वहीं करते हैं, लेकिन छूटे रहते हैं उससे। जरूरी नहीं कि यहाँ से निकल, कई लोग सोचते हैं कि छूटना उसे कि सब छोड़ छाड़ के हिमालय पहुँच जाओ। ये मन बड़ा बलशाली है महाराज, शरीर से भले ही पहुँच जाना पर मन से आप घर में ही आ जाओगे, व्यवस्थाओं में ही आ जाओगे। इतना आसान नहीं है। रात दिन इस मन ने इस संसार के दृश्यों को देखा है, व्यवहार किया है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं दोबारा आ सकता, ये संसार में दोबारा आ जाएगा। आप भले ही हिमालय पर बैठ जाएं, महापुरुष कहते भी तो हैं, मन के मारे वन गए वन तज मस्ती मां। मन ने कहा चलो वन में जाके भगवान मिलेंगे, पहुंच गए वन में सब छोड़ छाड़ के, और क्या हुआ, शरीर से राम राम जप रहे हैं लेकिन मन सोच रहा है घर में बीड़ी रखी थी वो तो भूलिया है, वहाँ वो रखा था वो तो भूलिया है, पत्नी बच्चे पता नहीं, पूछा हाल चाल पत्नी को पूछ के ही नहीं आए, नन्ना मुन्ना जो हमारा नाती था उसके सिर पर हाथ ही नहीं फेरा, तो क्या हुआ, आप शरीर से वहाँ बैठे थे लेकिन मन से आप घर में ही थे, तो क्या होगा, फिर वो भजन नहीं लगेगा, वो त्याग नहीं लगेगा। इसलिए कहा छोड़ने में प्रयास करोगे तो दोबारा पकड़ लोगे, और भगवत कृपा से छूट गया तो यहाँ रहकर भी आप वैरागी हैं। तो यहाँ पर आज ज्ञान यज्ञ यानी श्रीमद् भागवत कथा की प्रेरणा दी है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।